गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है रिधिमा पाठक और मैं एक प्रोफेशनल एंकर, एमसी और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हूँ। मैंने आज तक 1000 से भी ज्यादा स्टेज शोज किए हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, इस स्टेज शो को होस्ट करने के लिए मैं जितनी एक्साइटेड हूँ, इतनी एक्साइटेड मैं आज तक पहले कभी नहीं रही। वेल, इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया अवसर है और एक नया तरीका है अपनों से और करीब आने का। यू नो, लाइव सिनेरियो में मैं अगर अभी स्टेज पे होती तो मैं जोर जोर से चिल्ला रही होती, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू एन इवनिंग फिल्ड विद एंटरटेनमेंट, ब्ला 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 वगैरह वगैरह। लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्टेज शो लाई हूं किसी अपने के लिए, जहां टैलेंट का भरमार तो होगा ही, पर साथ ही साथ एंटरटेनमेंट होगा विद अ पर्सनल टच। एंड हेंस लेट मी अश्योर यू, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग योर वे from my home to yours. So ladies and gentlemen, I welcome all of you to the positive stage presented by Madhur Pure and Hygienic Sugar in collaboration with Pine Tree Pictures. तो आप आराम से अपने घर में बैठे और हम मधुर शुगर के साथ आपके घर आके डिलीवर करेंगे India's best performers, artists, you name it. So it's time now to introduce our very first artist of the show. Well, ladies and gentlemen, she's known as Shilpa Rao, और उन्हें Zee Cine Awards, IFA Awards, Mirchi Music Awards, न जाने कौन से awards से नवाजा गया है for her beautiful voice, her melodious songs and of course her magical presence. तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिए शिल्पा राव जी का, एंड आई कैन अश्योर यू कि ये तालियों की गूंज उन तक जरूर पहुंचेगी। Hi, this is Shilpa Rao here and this is Anurag and we are live here for all of you guys with our music, so you know what, stay positive and thank you Mother Sugar for having us on board. So enjoy the music. Oh,
Pia Savare Nahi bas mein ab ye jiya Savare song from the movie Pa, and I hope you like this one, the version that we're doing right now. So mudi mudi kaha 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 main mudi mudi ittefaq se जुड़ी जुड़ी जा कहाँ कहाँ मैं जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से घड़ी घड़ी क्यों
Well, now that Shilpa Rao ji has set this stage, मैं उनके बारे में आप लोगों से कुछ और शेयर करना चाहूंगी. Well, she was born in Jamshedpur और ये 13 साल की थी जब ये मुंबई आई और ये कॉलेज में ही थी जब इन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया तोसे नैना के साथ. और अब इन्हें घुंघरू के लिए पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला. लेकिन इतने सालों में शिल्पा राव जी ने एक से एक बढ़कर हिट दिए, चाहे वो मन मर्जिया हो या खुदा जाने या मलंग. सारे गाने जो थे वो हिट थे एंड इट रैंग विद द यंगस्टर्स एंड फ्रॉम वेरियस रेंज ऑफ एज ग्रुप्स. हर वॉइस एंड हर टैलेंट वाज अप्रिशिएटेड. शिल्पा राव जी ने एक चीज मेंशन की थी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, लेकिन किसी ने भी इनका स्टाइल चेंज करने की कोशिश नहीं की. और अपने डिफरेंट स्टाइल के लिए ही ये बॉलीवुड में और ऑल ओवर द कंट्री जानी जाती हैं. एंड शी हैज एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ एज वन ऑफ द टॉप फीमेल सिंगर्स इन द कंट्री. सो ऑल यू लव बर्ड्स आउट देयर, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लासिक लव सॉन्ग व्हिच आई sung in 2008, and I think it's always been loved. It's Khuda Jaane from Bachna Hai Seeno, and this goes out to all the lovebirds out there. खुदा जाने ये क्यों आए.
जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स और मेरे क्वारंटीन के साथियों, आई एम श्योर शिल्पा राव जी का ये परफॉर्मेंस देखकर आप सब ने बोला होगा वाओ, लेट्स गिव दैट अ ह्यूज 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 राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन। एंड यू नो आई एम श्योर आप सब ये परफॉर्मेंस देखकर उनके फैंस हो गए होंगे। और अगर फैंस की बात करें तो मेरे पास एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है जो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। यू नो हम फैंस की एक आदत होती है कि हम ख्वाहिशें करें, फरमाइशें करें। तो ऐसे ही शिल्पा राव जी के साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। वो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी थी और उन्हें वहां पर अपना एक फैन मिल गया। तो वो फैन आया और उसने शिल्पा राव जी के साथ अपनी फोटो वोटो खिंचवाई और फिर उस फैन ने शिल्पा राव जी से फरमाइश कर दी। उसने कहा, शिल्पा जी मलंग ना मुझे ये गाना बहुत पसंद है एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, क्या ये गाना आप मेरे लिए गाएंगी? वेल शिल्पा जी ने इधर उधर देखा और फिर उन्होंने बोला श्योर व्हाई नॉट। एंड यू वोंट बिलीव इट, शिल्पा जी ने उस फैन के लिए मलंग गाना परफॉर्म किया ऑन द एयरपोर्ट इन द मिडिल ऑफ द इमिग्रेशन लाइन। Isn't that interesting? And I'm pretty sure वहाँ भी उन्होंने एक blockbuster performance दिया होगा। And on that note, let's get back to her powerful performance. Ladies and gentlemen, presenting Shilpa Rao once again. Hey guys, so these are the two songs that we perform together all the time. And whenever we perform this, people actually love it and they get on their dancing shoes. So you guys can do the same and sing and dance with me for Ishq Shava and Malang. So here it comes. Song and I'm really so happy to be a part of it. And so wherever you're listening to this, you have to sing along because it's such a beautiful song. So Bulia for you guys. मिल न पाए वे की करा वे की
Wow, that is what I call a splendid evening. Thank you so much, Shilpa Rao ji, for that lovely performance. And I'm sure aap sabhi ko bhi bahut pasand aaya hoga. Aur chaliye, kuch pal ke liye sahi hum ye bhool gaye ki lockdown hai. So, stay tuned to this space for more. Hum phir hazir honge kuch madhur geet aur madhur yaadein lekar. Tab tak, alvida.